मुश्किल जिसमें फवाद खान है, उसके अलावा एक फिल्म और है शिवाय जिसमें अजय देवगन है, कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे आप? जो जिस तरह से विवादों का पूरा सिलसिला चला है पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर, कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे? शिवाय, शिवाय बचे, शिवाय देखेंगे, शिवाय देखना पसंद करेंगे आप? देखिए शिवाय जो है अजय देवगन है और मैं अजय देवगन का फैन हूँ, तो मैं देखूंगा। पब्लिक अजय देवगन को ज़्यादा देखेगी, ऑब्वियसली आई विल वॉच शिवाय, शिवाय शिवाय बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन इंडियन हिंदू माइथोलॉजी एज वेल, सो माय फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी फॉर शिवाय, देन इफ आई हैव सम टाइम आई विल गो फॉर ए दिन मुश्किल। एक्चुअली अजय देवगन, आई विल गो विद शिवाय, थैंक यू सो मच। मैं शिवाय देखना चाहूँगा क्योंकि अजय देवगन जी ने मतलब एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है, तो मतलब उन्होंने जब इतनी मेहनत की है एक चीज़ पर ही मेहनत की है। आया दिल है मुश्किल, फवाद खान, मैं तो मतलब एक होता ना कोई अगर करोड़ रुपया मुझे दे तो मैं नहीं देखूं, और लोगों से अपील करूं प्लीज़ ना देखें। उसमें पाकिस्तानी एक्टर है इसके वजह से नहीं देखेंगे हम। ये फवाद खान ही है मेन वजह। थैंक यू सो मच। अब अजय देवगन ही अजय देवगन, और ये फवाद खान पाकिस्तान का है। मैं कलाकार का कोई वो नहीं कर रही हूँ मैं, बट देखो जन्म कहाँ का हो तो वो तो माने रखता है ना। हमारे इतने शहीद हो गए, हमारे जवान बेचारे, उनके फैमिली बेचारे रो रहे, तो वो उनका बलिदान के लिए तो उतना तो हम लोग इतना बलिदान तो कर ही सकते हैं। हाँ स्टोरी अच्छा रहेगा, एक्टर है किसी भी देश के रहेंगे, लोग पसंद करते हैं, इन्जॉय करते हैं, मनोरंजन एक हर चीज़ है, लेकिन इससे देश से नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है? लेकिन अगर जहाँ देशभक्ति की बात आ जाएगी वो हमें पसंद नहीं है, नहीं देखेंगे, पाकिस्तान का एक चीज़ नहीं देखेंगे। शिवाय तो